सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है NDTV इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, NDTV पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है NDTV इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। NDTV का इलेक्शन कार्निवल पहुंच चुका है गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में, और इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर। अहमदाबाद पहुंचने से पहले ये इलेक्शन कार्निवल देश के कई शहरों से, कई संसदीय सीटों से गुजर कर यहाँ पर पहुंचा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और इस कार्निवल के ड्राइवर, इस ट्रक के ड्राइवर सोनू। सोनू से हम जानते हैं कि आखिर कितने किलोमीटर का सफ़र इस ट्रक ने तय किया है और कहां कहां से गुजर कर ये ट्रक यहां पर पहुंचा है। सोनू, ये बताओ कि अब तक कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है ये कार्निवल? सर 4300 कुछ किलोमीटर चल चुका है अभी तक। अच्छा, और कहां कहां से गुजर कर आया है ये? सर दिल्ली से जो है हम गए हरिद्वार, हरिद्वार से मेरठ, मेरठ से वृंदावन, वृंदावन से पहुँचे हम जो है भरतपुर, भरतपुर से मैनपुरी, और मैनपुरी से गए हम जो है लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से जो है वाराणसी, वाराणसी से गए हम जो है अपना छपरा, छपरा से पटना, पटना से जो है हजारीबाग, हजारीबाग से जो है जमशेदपुर, जमशेदपुर से रांची, रांची से गए अंबिकापुर, अंबिकापुर से रायपुर, रायपुर से आए भोपाल, भोपाल से इंदौर, आज गुजरात में। तो बिल्कुल आपने सुना कि कितने राज्यों से, खास करके उत्तर और मध्य भारत के कई सारे राज्यों से घूमते हुए ये कार्निवल यहाँ पर पहुँचा है। और अगर इसमें ट्रक की बात करूँ तो इस वक्त आपको ये ट्रक खुला हुआ नज़र आ रहा है, एक मंच की शक्ल ले ली है इस ट्रक ने, लेकिन जब ये चलता है, जब ये मूवमेंट करता है, तो ये ट्रक पूरी तरह से बंद होता है और इसको खोलने में 2.5 से 3 घंटों का वक्त लगता है। तो जो भी हमारी मंजिल होती है वहाँ पर ये ट्रक पहुँचता है और उसके बाद ये एक मंच की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो आइए बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुजरात के जो स्पेशल 26 हैं वो वापस आ पाएंगे। मैं स्पेशल 26 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, और स्पेशल इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है। अगर गुजरात की बात करें तो बीजेपी का इतिहास गुजरात से जुड़ा रहा है। 1984 में जब बीजेपी की पहली बार लोकसभा में एंट्री हुई थी और 2 सीटें जब बीजेपी ने जीती थी तो उनमें से 1 सीट गुजरात से थी। यहीं से पास में मेहसाणा है, मेहसाणा की 1 सीट बीजेपी ने जीती थी और तब से लगातार जीतते चले आ रही है। इसके अलावा अगर यहाँ की विधानसभा की बात करें तो बीते 3 दशकों से लगातार यहाँ पर विधानसभा में बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी की यहाँ पर सरकार रही है। और बीते 2 चुनावों से 2014 और 2019 26 की 26 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। लेकिन क्या वैसी ही तस्वीर इस बार भी बरकरार रह पाएगी, और इस बार की चुनावी तस्वीर गुजरात की क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस कार्निवल में जुड़ने वाले हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के एक्सपर्ट भी होंगे, इसके साथ ही जो 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके प्रतिनिधि भी होने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर त्रिलोक शर्मा जी, मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता यज्ञेश दवे जी, और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रावल जी। तो इनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार की चुनावी तस्वीर यहाँ पर कैसी है और क्या इस बार फिर से स्पेशल 26 सत्ता हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, चुनाव का ओवरव्यू क्या है, इस बार कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं इस बार के चुनाव में? जी, सबसे पहले तो गुजरात की इस धरती पर NDTV की टीम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि पिछले कई वर्षों से, बल्कि कुछ दशकों से यहाँ भाजपा हमेशा सत्तारूढ़ रही है, और 2014 और 2019 के चुनावों में तो लोकसभा में 26 की 26 सीटें भाजपा ने जीती हैं। इस बार भी अगर हम अंतिम परिणाम की बात करें तो मुझे लगता है कि 26 सीटें तो निकल जाएंगी,
लेकिन ये सफर मुझे इतना आसान नहीं लग रहा जितना आसान 2014 और 2019 में था। कारण बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके कुछ कारणों को बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, गुजरात के बारे में थोड़ा बता दूँ। गुजरात देश की आर्थिक शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रदेश है। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 20 वर्षों के दौरान गुजरात का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1500% इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज 8% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल GDP ऑफ कंट्री। पूरे भारत देश की जो टोटल GDP है उसका 8% योगदान गुजरात से जाता है। गुजरात न केवल अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकजुटता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ का कोस्टल एरिया, यहाँ की सतरंगी संस्कृति और सबसे बड़ी बात कमिटमेंट और उद्यमशीलता यहाँ के लोगों की अपनी एक पहचान है। और इसी वजह से गुजरात, जब भी भारत की बात होती है, जब भी भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, तो गुजरात का जिक्र ज़रूर से होता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक परिदृश्य की। तो राजनीतिक परिदृश्य में हम सबको पता है कि गुजरात हमेशा से भाजपा समर्थक रहा है। यहाँ के 68% वोटर्स भाजपा के समर्पित वोटर्स माने जाते हैं, और ये संख्या अगर हम नई आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखें तो हर चुनाव में ये संख्या बढ़ती जा रही है। जो फर्स्ट जनरेशन वोटर्स हैं उनमें एक अलग ही किस्म का समर्पण दिखाई देता है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि 2024 का चुनाव 2014 और 19 जैसा नहीं है। कारण एक, पिछले 4 साल में लगभग 60,000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, यानी कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। एक दूसरा, इस वजह से इस बार के चुनाव में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सबसे ज़्यादा गृह क्लेश हो रहा है भाजपा में। टिकट दिए जा रहे हैं, लोग टिकट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक ज़माना था जब टिकट के लिए मरते थे लोग। जिसको टिकट मिला है उसका विरोध हो रहा है, कहीं आंतरिक गुटबाजी हावी है। मैं अगर नाम लूँ तो करीब करीब 6-7 लोकसभा क्षेत्र यहाँ के ऐसे हैं जिन पे भाजपा की राह 2014 और 2019 जैसी आसान नहीं है। दूसरी बात, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल साहब, उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया है कि 26 की 26 सीटें जीतनी है और हर सीट पे 5 लाख कम से कम जीत का अंतर होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ख़ास करके तब जब घर के सदस्य बाहरी मेहमानों के घर के मेंबर बनने से दुखी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए। आपने जो बातें बताई उनसे मुझे दोनों के लिए सवाल मिल रहे हैं, BJP के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के रावल जी के पास जाऊंगा। रावल जी, आपके सामने बड़ी चुनौती है, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने भी बताया कि एक गढ़ को भेदना है, बीजेपी के गढ़ को भेदना है, और ये बीजेपी का गढ़ बीते 30 सालों से मजबूत रहा है, तो कैसे आप भेद पाएंगे? दूसरी बात ये कि जैसा इन्होंने ही कहा अभी कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, यहाँ तक कि अर्जुन मोढवाड़िया पोरबंदर के, इतना बड़ा नाम, एक वफादार नेता, एक बड़े नाम, वो तक छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो ऐसे में आपको कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो लोकशाही में एक ज़माने में जब राजाशाही थी तब सिर काट के सत्ता हासिल की जाती थी, अब सिरों को साथ में लेके सत्ता हासिल की जाती है, ये पहली बात। आने जाने की बात है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। तुम दाम तो फेंको यारो, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। ये जो ईमान बिकने वाले लोग हैं,
ये प्रजा जानती है, ये जो तालियां बजी है वो तालियां मेरे लिए नहीं बजी है, जिन लोगों ने अपना ईमान बेचा है उनको जवाब देने के लिए बची है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ की सर ने बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है यहाँ पे कि गुजरात कोई पिछले 30 सालों से नहीं हुआ है, जब से गुजरात का जन्म हुआ है गुजरात जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ में देश का भागीदार रहा है और हमें इसका गर्व है। हमारे जो एक साथी थे आजकल बीजेपी में है, वो बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे कि हमारे पिताजी धोती पहनते थे और अब हम टी शर्ट पहनते हैं तो इसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते। कांग्रेस का थिंकिंग क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ की जगह हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को मायने रखते हैं। तो ये जो बात है, गुजरात की जनता जो है, यहाँ की जनता व्यापारी दिमाग की है, ये भलीबाजी जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम इस तरह से किया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ की जो सीटों की आकलन की बात है, सही बात है, हम पिछले दो चुनाव से नहीं जीते हैं, लोकशाही में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आज भी हमारे वहाँ पे इतना उत्साह है कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही हमारे उम्मीदवार का नाम वन बाय वन डिक्लेयर होना चालू हुआ, भारतीय जनता पार्टी में बड़ोड़ा के उम्मीदवार ने तो बोल दिया नहीं नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे नहीं लड़ना है। साबरकांठा के उम्मीदवार ने बोल दिया मुझे नहीं लड़ना है। अमित भाई चावड़ा का हमारे एलओपी का नाम जैसे आनंद में जाहिर हुआ, आपको दिल्ली जाना पड़ा। वो तो इंटरनल कारण से भी बता रहा है ना, कई जगहों पर इनफाइट भी है बीजेपी की, जैसा अभी शर्मा जी ने बताया। देखिए सियासत भी कुछ अजीब दास्ता कहती है, पहले आंखें नोच लेती है फिर चश्मे दान करती है। ये जो है ये इंटरनल हो जो भी हो, इस बार 26 से 26 सीट जो है उसमें से एक सीट आपने इसी तरह लोकशाही की हत्या करके ले ली है, कोई बात नहीं। एक सीट के सामने प्रजा 11 सीट देने का अपना मन बना कर रखी हुई है। मैं इस पर एक तो यज्ञेश जी से जवाब चाहूंगा जो बात अभी कही रावल जी ने, और दूसरा ये कि शर्मा जी ने जैसे कहा कि इस बार आसान नहीं है, 2014 और 2019 का जैसा मामला इस बार नहीं है, इन्होंने सीटें भी गिनाई कि कौन कौन सी सीटों पर जो है समस्या है। और एक बात और कि आपने बहुत सारे सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया, कई नए चेहरे दे दिए, 14 दिए जहां तक मेरी जानकारी है, आधे से लगभग आधे आपने अपने उम्मीदवार बदल दिए, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की उस आशंका को नहीं दर्शाता है कि नतीजे पहले जैसे नहीं होने वाले? भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन में मानती है, नए लोगों को चांस देती है, ऐसा नहीं कि जिसी जो मेरे मुझे टिकट मिला, मैं जब जिंदा रहा तक तो मैं चलता रहा, फिर मेरा बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, ये कांग्रेस में चलता है, भारतीय जनता पार्टी में यह परिवारवाद या परंपरा ऐसे नहीं चलती। दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि लोकशाही की हत्या की करके एक टिकट एक सीट जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी ने पहला सीट जीता है 1952 से आज तक में, ये निर्विवाद पहला सीट हुए। इससे पहले 1952 से आज तक 20 सीट कांग्रेस की निर्विवाद जीती गई थी, उस टाइम लोकशाही की हत्या नहीं थी, 2 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी ऐसे ही, उस टाइम लोकशाही की हत्या नहीं थी, 2 सीट सपा ने जीती थी, उस टाइम लोकशाही की हत्या नहीं थी, आज जब भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती तो लोकशाही की हत्या, ये मेरे गले भी नहीं उतरता, पब्लिक के गले भी नहीं उतरता। दूसरी बात इन्होंने बताई जो आप बोल रहे थे कि और ये बोल रहे कि जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, लोगों ने तालियां भी बजाई कि वो गद्दार लोग हैं, तालियां बजाई कि गद्दार लोगों के लिए तालियां हैं, तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 40 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से 5-6% वोट मिलते थे, नागरिक भी यही थे देश के, वोटर्स भी यही थे, सब लोग यही थे, उसके बाद वही वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगे, फिर 33% वोट लेके भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी आई, 40% से ज़्यादा वोट लेके एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से आई 19 में, तो क्या वो भी वोटर्स जो चेंज हुए, वो मतदार चेंज हुए, वो भी भारत के थे, क्योंकि पाकिस्तान से तो आए नहीं थे वोट देने के लिए, क्या उनको भी आप गद्दार बोलोगे? उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है, पहले वो कांग्रेस को दे रहे थे तब वो अच्छे थे, तो आपके नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके मतदार आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप पहले अपना सोचिए कि अपने में क्या खामी है, अपने में क्या बुराई है, वो सोचिए, ऐसे ही किसी पे लांछन लगाए कि ये छोड़ के गया ये गद्दार, ये छोड़ के गया ये गद्दार, नहीं, आपकी नेतागिरी में कुछ कमी है या आपकी कोई पॉलिसी में कमी है या आपके विजन में कमी है, वो कांग्रेस को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोग कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं कर रहे, कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के प्रत्याशी आज भी
जब भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है, भारतीय जनता पार्टी ये कर देगी, आपके ऊपर ये इल्जाम लगा देगी, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने, उनके पास पुराना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। जो रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस के पास है वो सिर्फ भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड है, और कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। डॉक्टर शर्मा, कांग्रेस की जो दशा है इस वक्त गुजरात में, उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, बीजेपी से दवे जी ने अपनी बात रखी, लेकिन एक तटस्थ तौर पर आप किस तरह से देखते हैं आज कांग्रेस की जो दशा यहाँ पर हुई है, उसके पीछे आप कौन से फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, किसी भी राजनीतिक दल को लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ नीतियों, कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करना जरूरी होता है। कांग्रेस ने जब तक ऐसा किया, निश्चित रूप से वो सत्ता में रहे, उन्होंने भी देश के विकास में योगदान किया, लेकिन कुछ हालात ऐसे बदले कि कांग्रेस का नेतृत्व क्षीण होता गया, मुद्दे उनके हाथ से छूटते दिखाई पड़ने लगे, और आज स्थिति ये हो गई है कि भाजपा को एक ऐसा कद्दावर नेता मिल गया है जिसने देश की नब्ज को समझा, मुद्दों को समझा, और उन मुद्दों को लेकर के एक निष्पक्ष, जहाँ तक मैं मानता हूँ, बिना किसी राजनीतिक दबाव के एक निष्पक्ष काम करने की कोशिश की है, एक ऐसी सरकार देने की देश को कोशिश की है कि जहाँ मुद्दे ऊपर हों और जो सांप्रदायिकता की बात है, जो जाति की बात है, वो गौण हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिछले दो दशकों में कांग्रेस ने एक तो अपने प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व को सुदृढ़ नहीं किया, दूसरा उसके हाथ से नीतियां और मुद्दे फिसलते गए, जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए कहीं ना कहीं, और यही कारण रहा कि धीरे धीरे कांग्रेस की जमीन खिसकती गई और उस जमीन पर किसी दूसरे दल यानी कि भाजपा ने अपने पाँव जमाने शुरू किए। लेकिन भाजपा के लिए भी ये स्थिति कोई स्थायी हो ऐसा नहीं है। अभी इस 2024 के चुनाव में हम देख रहे हैं कि भाजपा की जो अंदरूनी कलह है वो हमें कांग्रेस के 2000 और 90 के दशक की अंतरकलह को याद दिलाती है, क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में इतनी अंतरकलह होती थी लेकिन नेतृत्व मजबूत होता था तो वो उसको निपट लेते थे। आज भी बीजेपी इस स्थिति में आ गई है कि आज गुजरात जैसे मजबूत गढ़ में भाजपा को अपना घर संभालने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, और जो कि एक निश्चित रूप से आने वाले जी उनको बोल लेने दीजिए। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जनता के पास भी आऊंगा, उनको बोल ले, अपनी बात रखने दीजिए। मेरा मानना है कि आने वाले समय में यदि भाजपा को अपना ये गढ़ बचा के रखना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक पुनरावलोकन करना पड़ेगा, और अपने घर को मजबूत बनाने के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को विश्वास में लेना पड़ेगा, ये मेरा मानना जी। हेमांग रावल जी, आपसे सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई में बड़ी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही है? मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 2022 में जो हुआ वो ऑब्जर्वेशन है मेरा। मैं यहाँ पर बीते 20 सालों से गुजरात में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कवर करते आया हूँ। अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूँ तो जो आक्रामकता, जो जोश बीजेपी के खेमे में नजर आ रहा था वो कांग्रेस में नहीं था, और ये किस तरह से हम कह सकते हैं, आपके कोई दिग्गज नेता यहाँ पर नजर नहीं आए। हाँ, राहुल गांधी ने इक्का दुक्का प्रचार किया था विधानसभा के दौरान, लेकिन जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी के बड़े नेता रोड शोज कर रहे हैं, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ के साथ रैलियां कर रहे हैं, वैसा कुछ कांग्रेस की तरफ से ना तब होता नजर आया था, ना इस बार होता नजर आया है। ना यहां पर अभी तक राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, ना सोनिया गांधी आई, ना मल्लिकार्जुन खड़गे आए, जबकि बीजेपी ने तो अपनी शुरुआत भी कर दी है। अमित शाह ने अब से दो दिनों पहले रोड शो किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, गांधीनगर के अंदर। तो क्या, कितनी गंभीर है कांग्रेस इस चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा
आपके माध्यम से आज मैं पहली बार डिक्लेयर कर रहा हूं कि 4 दिन के अंदर प्रियंका जी गुजरात में आ रही है, उसके बाद 2 दिन बाद राहुल जी यहां पे आ रहे हैं, सभी हमारे बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं। हम में ज़्यादातर राजकीय विश्लेषक की बातों को मैं बहुत मतलब बहुत गंभीरता से लेता हूँ। इनकी एक बात इन्होंने बोला कि कांग्रेस के समय पे कांग्रेस ने कोई कुछ ज़्यादा किया नहीं है, या उन्होंने अपना जो भी वचन थे वो पूरे नहीं किए थे। तो मैं आपकी ओर से और शर्मा जी को और बाकी अपने मित्रों को भी बताना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह की सरकार का जो दायका था वो अधिकारों का दशका था। उस वो जो 10 साल थे उसमें RTE हमने दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, उसी जो हमारी सरकार थी उसमें हमने राइट टू एजुकेशन दिया, उसी सरकार में हमने मनरेगा किया। तो हमने तो लोगों को देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से छीनने का काम किया। और जुमले की बात है, यहाँ पे गुजरात में आप बोल रहे हो कि मोदी जी की गारंटी, जरा पे कैमरा यहाँ पे आप फोकस करिए प्लीज। आप 4,300 किलोमीटर चल के आए हो, यहाँ पे देखिए ये सी प्लेन है, आप यहाँ पे मोदी जी ने गारंटी दी थी ये सी प्लेन में बैठे थे, इसी रोड पे यहाँ पे ही यहाँ से उड़ा था और लोगों को बताया गया था कि ये सी प्लेन से लोग जा पाएंगे। आज सी प्लेन कहाँ है, सी प्लेन नहीं है। साथ में यहाँ पे महंगाई की बात करो, गुजरात के अंदर बाजू में राजस्थान है, राजस्थान में महिलाओं को 400 रुपये का सिलेंडर देते, यहाँ पे 1100 रुपये का सिलेंडर देते। यज्ञेश दवे जी, जो बातें इन्होंने अभी कही, जो इन्होंने गैस सिलेंडर की बात उठाई, जो यहाँ से सी प्लेन उड़ रहा था उसकी बात उठाई, जो तमाम मुद्दे उठाए आपने अभी सुने, आपका संक्षिप्त जवाब चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई ने जितने भी वादे किए वो वादे पूरे किए। जैसे किसानों को सम्मान देने की बात थी, आज तक किसी भी सरकार ने सिर्फ जय जवान जय किसान की बात की, न जवानों को सम्मान दिया न किसानों को सम्मान दिया। सम्मान निधि की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जब घर की बहन बेटी खुले में शौच कर रही थी 70 साल बाद, तब कांग्रेस को नहीं दिखा, वो नरेंद्र भाई को दिखा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में घर घर बिजली हुई, घर घर पानी आया, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। जो सरदार पटेल, वो तो बोलते हैं कांग्रेस वाले हमारे थे, सरदार पटेल ने जो सपना देखा था वो अखंड भारत का सपना था, भारत को एक रखने का सपना था, वही सरदार पटेल का सपना कांग्रेस के शासन में पूरा नहीं हुआ। कश्मीर को अलग रखा, 2 निशान 2 प्रधान कश्मीर के थे, 370 रद्द करके भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र भाई मोदी ने और अमित भाई शाह ने पूरे भारत को एक किया, कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। मैं जनता के पास भी जाऊंगा, जनता से भी, सबसे पहले ऐसे शख्स के पास मैं जाना चाहता हूं जो कि पहली बार इस बार वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जा रहा है, ईवीएम मशीन का बटन दबाने जा रहा है। तो ऐसे शख्स के साथ में मैं शुरुआत करूंगा, आप पहली बार वोट डालने जाओगे? हाँ। तो ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप जाएंगे पोलिंग बूथ तक? मैं भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बोल रहे हो कि देश में 10 साल में मोदी जी ने विकास किया है, तो मैं 2 दिन से, आजकल का युवा जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, तो मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो उनकी रैलियां करते हैं, भाषण करते हैं, उसमें कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको आपका विकास देखना है तो क्यों 2 करोड़ बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार तो आप दे नहीं पाए, 100 दिन में गरीबी हटाने की बात थी, आज 3,650 दिन हो गए और गरीबी नहीं हटी। अगर बात एम्प्लॉयमेंट की है तो अभी गिफ्ट सिटी में देखो आप कितना डेवलपमेंट है। अगर बात हो रही है गुजरात से स्टार्ट करो तो गुजरात को अभी इनकमिंग 5 ईयर्स का इनका जो प्लान है उन लोगों को पक्का नहीं पता है, क्योंकि उसमें कितना डिफेंस आर्मी का खुल रहा है, राइफल्स का आ रहा है, वो सब उनको नहीं पता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात है तो मोदी सरकार बहुत आगे है और आगे भी बहुत प्लान्स कर रही है गुजरात के लिए। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं जनता के बीच के, हमारे पास समय की सीमा, इसलिए
मुझे लगता नहीं है कि सभी सवालों के जवाब इस छोटे से शो में हासिल हो पाएंगे, लेकिन मेरे साथ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं, हम इनसे संक्षेप में जवाब जानना चाहेंगे। आपको लेकर काफी सवाल हैं, आपकी पार्टी को लेकर यज्ञेश जी, विपक्षी पार्टियां, ये सवाल अभी तक यहां पर कांग्रेस ने नहीं पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके बगल में बैठे हैं, लेकिन बाकी जगहों से ये आवाज आ रही है और बीजेपी के ऊपर ये सीधा आरोप लगता रहा है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। हाँ, ईवीएम को मैनिपुलेट वो लोग करते हैं जो लोगों को घर में आज रोजी रोटी नहीं मिलती थी, उनको रोजी रोटी मिलने लगी, वो पब्लिक करती है, वो मतदान करते हैं, जिनको विकास मिला है वो मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनिपुलेट करते हैं, वो लोग करते हैं जिनके घर में आज राम दिखते हैं वो लोग करते हैं, वो लोग करते हैं, वो किसान करते हैं जिनको आज सम्मान मिला है वो किसान मैनिपुलेट करते हैं, वो लोग आज मैनिपुलेट करते हैं जिनके घर में पहले चूल्हे जलते थे, आज उधर देखो तो आज उनके घर में LPG चलता है, वो लोग करते हैं, वो लोग मैनिपुलेट करते हैं जिनके घर में पहले बिजली नहीं थी आज बिजली है, वो लोग बीजेपी के लिए मैनिपुलेट करते हैं, भारत की जनता मैनिपुलेट करती है, बीजेपी नहीं मैनिपुलेट करती। रावल जी, कांग्रेस का सिर्फ पार्टी बता। रावल जी देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, जनता के भी मुद्दे हैं जिसमें की सरकार से भी सवाल है, बीजेपी एज ए पार्टी से भी सवाल आपने भी सुने, लेकिन एक विपक्षी पार्टी के तौर पर आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस जो है इन मुद्दों को सशक्त तरीके से उठाने में अब तक विफल रही है या कमजोर नजर आई है? ये सवाल आपसे भी है और डॉक्टर शर्मा से भी मेरा यही सवाल है, पहले आप दे दीजिए फिर मैं शर्मा जी से पूछूंगा। देखिए, यहाँ पे जब माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, तो 30-30 किलोमीटर के रेडियस में हमारे जो नेता है, हमारे जो कार्यकर है, उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ काले झंडे दिखाया, सूरत में हमारे कार्यकर्ता ने सिर्फ काले झंडे दिखाए, तो वो काले झंडे दिखाए तो उनको पासा कर दिया। शर्मा जी आप बोलिए। मैंने जनता के सवाल, बीजेपी की सफाई, कांग्रेस की सफाई, सारी बातें सुनी। मेरे मन में कुछ सवाल और कुछ स्पष्टीकरण हैं। ईवीएम मशीन में खराबी की बात की जाती है तो इसके जिम्मेदार न तो कांग्रेस को हम ठहरा सकते, न बीजेपी को हम ठहरा सकते। एक वोटर के नाते, एक सशक्त नागरिक के नाते हमारी जिम्मेदारी है। हम देखते जा रहे हैं कि पिछले कई सालों से चुनावों के मतदान का प्रतिशत हमेशा गिर रहा है। जो जोश हम यहाँ दिखा रहे हैं, क्या वही जोश हम मतदान के दिन नहीं दिखाना चाहिए? तो पहली बात, मेरी सबसे अपील है कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन आप घर घर जाकर के लोगों को इस राष्ट्रीय पर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाएं, ताकि मतदाता तय कर सके कि सत्ता किसके हाथ में रहनी चाहिए। जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसके सामने हजार तरह की चुनौतियां होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो दल समझदारी से जनता की नब्ज को समझते हुए जनता की समस्याओं को सुलझाता है, उस दल की सरकार को हमें सफल सरकार मानना चाहिए और उसी सरकार को वापस बनाने के लिए वोट देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर पिछले 30 सालों से हम मतदाता अगर किसी सरकार को चुन रहे हैं तो उसको हमें गाली देने का हक नहीं है। अगर वो सरकार काम नहीं कर रही है तो आप मतदान के दिन दिखाइए अपनी ताकत। और अगर हम सबको लगता है कि मतदाता परिणाम बदल सकता है तो ये बात अपने आप बेमानी हो जाती है कि ईवीएम मशीनों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ईवीएम मशीनों पे तो हमको भरोसा करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि केवल संदेह के आधार पर हम किसी बात का फैसला नहीं सुना सकते, तो संदेह के आधार पर हमको काम नहीं करना है। जो हमारे राष्ट्र की एक निष्पक्ष संस्था द्वारा व्यवस्था है चुनाव की, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और उस राष्ट्रीय पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, ये हमको प्रयास करना चाहिए। और ये मंच, शायद एक मकसद इस मंच का यही है कि मतदान के प्रति जागरूकता आए, अधिक से अधिक लोग मतदान करें और अपनी भावनाएँ वोट के रूप में अभिव्यक्त करें, तो मुझे लगता है कि समस्याओं का समाधान ज्यादा प्रभावी तरीके से हो। बिल्कुल, अब हम इस चर्चा के आखिरी दौर में हैं। मैं एक एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा। आपसे मेरा सीधा प्रश्न है कि गुजरात की 26 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है? बीजेपी का खाता ऑलरेडी खुल चुका है सूरत से। देखिए, गुजरात के अंदर आज कांग्रेस के डबल डिजिट से ज्यादा जीतने वाली है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है, तो परिवर्तन जो है वो कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिला के और 10 से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलेगी। यज्ञेश जी,
आप क्या कहेंगे? 26 में से एक तो अब तो 25 सीटें बची हैं, 25 में से कितनी? गुजरात में 26 सीट है, 26 में से एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है, बाकी बची 25 सीटें। 25 सीटों में से 23 सीटों पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा किए है और 2 सीटों में कांग्रेस ने अपने आम आदमी के प्रत्याशी खड़े किए। वही कांग्रेस है जो पहले गुजरात में तो 2022 में बोल रही थी कि आम आदमी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अब वो उनकी ए टीम हो गई है और वो पार्टी के साथ वो लोग बैठे हैं कि जिनके मुख्यमंत्री से लेके आधे लोग जेल में है और आधे लोग बेल पे हैं, उसके पास वो लोग बैठे हुए। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी बाकी की जो 25 सीट है, 25 की 25 सीट 5 लाख की लीड से ज़्यादा हम लोग जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। गुजरात पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल साहब ने यह आह्वान किया है और यह आह्वान गुजरात की जनता और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ हमारी ये बहस, हमारी ये चर्चा यहीं पर खत्म होती है। आप सभी से गुजारिश है कि 7 मई को गुजरात में मतदान है, आप सभी लोग खुद तो वोट डालने जाएंगे ही, अपने साथ बाकी के लोगों को भी मतदान के लिए जरूर ले जाइए। यह NDTV की अपील है। जय हिंद। हम इस वक्त अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर हैं। अहमदाबाद आएँ और रिवर फ्रंट ना आएँ, मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। जब भी अहमदाबाद आता हूं तो शाम के वक्त कुछ पल यहां ज़रूर गुजारता हूं। और इस बार हम कार्निवल के साथ यहां पहुंचे हैं और यहां पर मेरी मुलाकात हो रही है इस शहर की सबसे लोकप्रिय RJ चार्मी के साथ। चार्मी MyFM से जुड़ी हुई हैं। केम छो चार्मी? एकदम मजा में। तमें केम छो? हूँ पण मजा मचू। क्या बात है। तो चार्मी, सबसे पहले तो भाई इस जगह के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ कि इस जगह की खासियत क्या है। और मैं देख रहा हूँ कि काफी उमड़ घुमड़ यहाँ पर मची हुई है, कई लोग यहाँ पर हैं, इसमें कुछ अहमदाबाद के भी लोग हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं, क्या खासियत है इस साबरमती रिवर फ्रंट की? एब्सोल्युटली, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो जगह है वहाँ का चार्म अलग है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल जगह है। आप फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, मज़े कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, गेम्स खेलिए और वाइब ही वाइब है। मतलब और रिवर क्रूज भी है। एब्सोल्युटली, वो तो अलग ही लेवल का चार्म है, 100%। अहमदाबाद के लोगों की आशाओं की उड़ान इन दिनों भरी जा रही है क्योंकि चुनावी मौसम है, तो अहमदाबाद के लोगों की क्या आशाएँ हैं, क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव से? एब्सोल्युटली, सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, स्पेशली यूथ को लेकर बात करूँ, बहुत सारी उम्मीदें हैं जिस पे हम चाहते हैं कि काम हो। एंड अगर मैं यूथ को एक चीज़ कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स जब भी चुनाव का दिन होता है, इलेक्शन का डे होता है, वोट करने जाइए, घर पे न बैठे रहिए। ऑफ कोर्स छुट्टी होती है, पूरे दिन में आप 10-15 मिनट निकाल ही सकते हो और इट इज़ नॉट अबाउट 10-15 मिनट्स, अगर ज़्यादा भी टाइम जाता है यू शुड गो, जाइए और आपके जो भी मुद्दे हैं अगर आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, हल चाहते हैं, वोट देना पड़ेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप पहली बार पोलिंग बूथ पर जाते हैं, EVM मशीन का बटन दबाते हैं और हाथ में वो नीले रंग की स्याही लगाई जाती है। Absolutely. क्या बात है। एब्सोल्युटली, और वो प्राइड की बात है, वो गर्व की बात है, जिम्मेदारियों की बात है और ये सारी चीज़ें हमें ऑफकोर्स पॉजिटिवली लेनी चाहिए, जाना चाहिए, वोट करना चाहिए। मैं जाने वाली हूँ, मेरे साथ 10 लोगों को और लेके जाऊंगी कि चलिए वोट दीजिए। वाह बिल्कुल। तो आपने सुना RJ चार्मी को जो उत्साह से भरी हुई है और इन्होंने कहा है कि ना केवल ये खुद वोट देने जाएंगी बल्कि अपने साथ 10 और लोगों को भी ले जाने वाली हैं। एब्सोल्युटली।